हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं GMLT लैब ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एवरेज HbA1c का जो कैलकुलेटेड फार्मूला होता है। मान लीजिए हमको कोई HbA1c दिया गया है, उसका एवरेज शुगर हमें पता करना है, तो उसको कैसे करेंगे। उसके लिए आज मैं आपको एक करेक्टेड फार्मूला बताऊंगा, कैलकुलेटेड फार्मूला बताऊंगा, जिससे आप किसी भी HbA1c का एवरेज शुगर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो फार्मूला है, हम सिर्फ जो प्लाज्मा ग्लूकोज, जो प्लाज्मा से शुगर आता है हमारा, उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, प्लाज्मा से जो ग्लूकोज आता है और उसकी जो वैल्यू होगी वो मिलीग्राम पर डेसिलीटर के हिसाब से हम निकालेंगे। तो दोस्तों एवरेज ब्लड शुगर प्लाज्मा इज इक्वल टू जितना हमारा HbA1c आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.6 से और उसमें से माइनस करेंगे 77.3। ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको ही हमें अप्लाई करना है जब भी हम किसी भी HbA1c का एवरेज शुगर पता करना होगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज ब्लड शुगर प्लाज्मा मिलीग्राम पर डेसिलीटर इज इक्वल टू 6.5। मान लीजिए मैंने 6.5 यहाँ पे HbA1c एक एवरेज माना है। ठीक है, 6.5 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.6। हमें 6.5 HbA1c के हिसाब से इसका ब्लड शुगर प्लाज्मा पता करना है। तो 6.5 × 35.6, तो जो हमारा एवरेज ब्लड शुगर मिलीग्राम पर डेसिलीटर निकल के आया इक्वल टू, वो आया 231.4 को हम माइनस करेंगे 7.13 से, 77.3 से, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में देखा था। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा जो एवरेज ब्लड शुगर प्लाज्मा मिलीग्राम पर डेसिलीटर जो निकल के आएगा वो आएगा 154.1। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।